हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम है। सर्दियों में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं अच्छी अच्छी जो हमें जरूर खानी चाहिए, जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं और साथ साथ स्वाद में भी। ये है शक्करकंदी। आपके यहाँ इनको शक्करकंदी, शक्करकंद या स्वीट पोटैटो क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हर जगह इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है और सर्दियों में इसे जरूर खाना चाहिए। डॉक्टर भी इसको बहुत सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम इसको कुकर में उबाल के खाते हैं या अवन वगैरह में, तो वो टेस्ट नहीं आता जो पहले आता था भट्टी में या आँच में बोंद के चूल्हे में। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे कि वो ही टेस्ट आएगा और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट। तो ये दो मैंने शक्करकंदी ले ली है, बड़ी बड़ी है, इनको धो के पोंछ के ले लिया है और एक फोक की सहायता से इनमें छेद कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि अंदर तक अच्छे से भुन जाएंगी, क्योंकि जब हम उबाल के खाते हैं तो इसमें मिठास नहीं रहती है। और अगर कुकर में ऐसे ही थोड़ा घी या तेल डालकर थोड़े से पानी के छींटे देकर डाल करते हैं तो उससे कुकर भी खराब हो जाता है कई बार। और अब इनके ऊपर ना अच्छे से ऑयल लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि शक्करकंदी भुनने के बाद ना इनका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। और आज जिस तरीके से हम इनको भूनेंगे ना, वही टेस्ट, वही मिठास आएगी बिल्कुल, जो कि भट्टी या चूल्हे में सेकने में आता है। और इन पे अच्छे से तेल लगा लिया और ये सिल्वर फॉइल में अच्छे से इनको रैप कर देते हैं। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं सिल्वर फॉइल लगा दिया है एक के ऊपर। इसी तरीके से दूसरे पे भी लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा भार से जलेंगी भी नहीं और ये अच्छे से सिक जाएंगी। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं, गैस ऑन करके। और ये जाली रख दी जिस पे बैंगन वगैरह भूनते हैं ना, वही वाली जाली है। और इस पे दोनों ये शक्करकंदी हमने रख दी है और इनको घुमा घुमा के मीडियम गैस पर पका लेंगे। दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 4 या 5 मिनट ही लगेंगे इनको सेकने में। और एक साइड से जैसे देखिए तो इससे चिमटे से पकड़कर थोड़ा आगे पीछे करके सेक लेंगे, क्योंकि ये काफी लंबी थी तो गैस की आंच इन पर पूरे पे नहीं लग पा रही थी ना, तो ऐसे मैंने आगे पीछे करके इनको सेक लिया अच्छे से। और इनमें चाकू डाल के देखेंगे। चाकू डालने से क्या होगा कि अगर इनमें आसानी से चाकू अंदर जा रहा है तो इसका मतलब ये अच्छे से पक गई है, और अगर चाकू अच्छे से नहीं जा रहा है तो आप थोड़ा और पका लीजिए, तो ये अच्छे से सिक जाती हैं। और ये हमारी दोनों शक्करकंदी सिक कर तैयार हो गई हैं। अब इनको हल्का सा ठंडा करके फिर छील लेंगे। और तेल लगाने से क्या होगा दोस्तों, जो हमने तेल लगाया था ना, उसकी वजह से इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। छिलका उतारने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए आप कितनी अच्छे से सिक गई है ना, जैसे चूल्हे में आँच में डाल के सेकते थे उसी तरीके से। और दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, बिल्कुल मिठास भी बिल्कुल वैसी ही आई है। अब इनको छील लेते हैं। छिलका आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इनका छिलका निकल रहा है, क्योंकि हमने जो इनके ऊपर ऑयल लगाया था ना, उसकी वजह से छिलका बहुत आसानी से निकल रहा है। अब चाहें तो इसकी चाट बनाकर खाएं, वरना ऐसे ही गर्मा गर्म ऐसे भी खाएंगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और शक्करकंदी तो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। और सर्दियों में जो सीजन की चीजें होती हैं तो दोस्तों जरूर खानी चाहिए, क्योंकि हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं और स्वाद में तो अच्छी होती ही हैं। तो ये दोनों शक्करकंदी को मैंने छील कर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो जैसे रेडी वाले बार जो चाट बना के देते हैं ना, उस तरीके की चाट बना लेते हैं। सिंपल सी है दोस्तों, सिंपल से घर के मसालों से। ये थोड़ा सा डाल लिया हमने काला नमक, थोड़ा सा डालेंगे ऊपर से चाट मसाला। चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ी सी काली मिर्च, बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालेंगे। और एक आधा नींबू लेके उसको निचोड़ ले। दोस्तों, मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर नींबू वगैरह आपको थोड़ा ज्यादा पसंद है तो आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, और नींबू की जगह आप इमली का पानी भी डाल सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। और ये बिल्कुल जैसे वो रेडी वाले आते हैं ना, वो चाट देते हैं, वैसा ही टेस्ट आएगा इसका। थोड़ी सी हल्की सी ये मैंने देगी मिर्च डाली है, इससे थोड़ा सा और दिखने में और अच्छी लगेगी। और थोड़ी सी डाली है धनिया पत्ती। ये हमारी टेस्टी टेस्टी शक्करकंदी की चाट बनकर तैयार है। तो इंजॉय कीजिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।